तो आज जो गाड़ी है हमारे पास वो हुंडई i10 है और इस गाड़ी का मैं करने वाला हूँ रेडिएटर फ्लश, और रेडिएटर फ्लश करूंगा और नया कूलेंट इसके अंदर फिर से डालूंगा क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों से पहले ही हमको इसका कूलिंग का इंतजाम करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करता हूं मैं रेडिएटर फ्लश। और रेडिएटर को साफ करने का, बिना खोले साफ करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और मैंने बहुत बारीकी के साथ सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं, आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो इसका बोनट खोल दिया मैंने और ये इसमें कूलेंट है। अब मुझे फ्लश करने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग अगर नजदीक से देखें, मैं दिखाता हूँ कैमरे में, इसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स, ये देखिए जब मैं ऐसे फिंगर प्रेस करता हूँ अंदर को, ये देखिए मुझे कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके अंदर हमारा वाटर पंप चलता है, जो वाटर पंप इसको सर्कुलेट करता है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपकी गाड़ी में एक मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, टाइमिंग बेल्ट टूट सकती है, गाड़ी हीट हो सकती है और मोटा खर्चा हो सकता है। ये देखिए, ये दिख रहे होंगे आपको पार्टिकल्स, ये देखिए। तो इस मोटे खर्चे से बचने के लिए सावधानी के तौर पे हम पहले ही इसको फ्लश कर लेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको, फ्लश करने के लिए हमें एक बार नीचे जाना होगा गाड़ी के, नीचे जाके इसका ड्रेन कैप होता है, वो ड्रेन कैप को हम खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, आराम से खोलूंगा और इसका रेडिएटर का पूरा ये फ्लश करूंगा। और उसके बाद दूसरा पानी भर के, ये रेडिएटर फ्लश है मेरे पास, ये एडल्यूब का रेडिएटर फ्लश है, मैंने आफ्टर मार्केट लिया है, वैसे मैं लिक्विड मॉली यूज करता हूँ, तो आज इसको भी यूज करके देखता हूँ क्या इसका रिस्पॉन्स होता है। तो चलिए नीचे चलते हैं गाड़ी के। तो ये देखिए अभी हम नीचे आ गए हैं गाड़ी के और कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ये नीचे आके ये दिख रहा है आपको, इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे और यहाँ से मैं नीचे एक ये बकेट रखा हुआ है और इस ट्रे में इसको स्टोर करूंगा। चलिए एक मिनट इसको खोल लेता हूं मैं। इसको खोल दिया है ताकि ये नीचे पूरा फ्लो से गिरे। अब देखिए ये नीचे कितने फीट से गिर रहा है, ये देखिए नीचे, ये देखिए। अभी ये पूरा कूलेंट इसमें हम बाहर करेंगे और फिर दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या कितना कचरा है। अब इस कूलेंट को मैंने पहले बाहर निकाला बिना फ्लश का यूज किए हुए, यानी कि फ्लश का केमिकल नहीं डाला, वो इसलिए कि देखते हैं इसमें कितना कचरा हमको दिखता है और फिर अगर वो फ्लश काम करता है तो फिर इसके बाद रेडिएटर से वो क्या निकालता है वो मैं आपको फाइनल टेस्ट करके सामने दिखाऊंगा। तो देखिए इसमें इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, नीचे तक देख लिया मैंने, ठीक है ये जो था फ्लश कर दिया। अब इसके बाद रेडिएटर से कितना वो कचरा निकालता है वो देखते हैं। नीचे की कैप रहती है, ये नीचे की जो कैप है इसका ये रबर रिंग, ये हमेशा बिल्कुल सही होना चाहिए और लगाते समय इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लीक कर सकता है यहाँ से। तो चलिए पहले इसको लगा लेता हूँ मैं। तो अभी मैं इसमें पानी भर लेता हूँ पहले। तो अभी मैंने इसमें 2 लीटर लगभग पानी डाल दिया है, अभी कुछ जगह बाकी छोड़ी है क्योंकि मैं इसमें फ्लश डालूंगा फिर ऊपर से पानी डालूंगा। तो ये रेडिएटर फ्लश है एडल्यूब का, देखिए ये मैंने आफ्टर मार्केट लिया है, इसकी MRP 700 समथिंग के आसपास है, 760 ये देख रहे होंगे आप, लेकिन ये MRP नहीं, मुझे सस्ता मिला है, ये 180 रुपीज का मार्केट से मिला है मुझे। तो अभी देखते हैं इसका क्या रिस्पांस है, इसको पहले खोल लेता हूं मैं। तो ये खोलने के बाद इसके अंदर एक सील और होती है इस तरह की, इस सील को भी हमको हटा लेना है, ये देखिए कुछ इस तरह की सील है। ये मैंने मार्केट से खरीदा था लेकिन ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर आप लोगों को लेना है ऑनलाइन तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा मैं, वहां से ले सकते हैं या फिर लिक्विड मॉली भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी मैंने पूरा पानी ऊपर तक फुल कर दिया और इसको बंद कर देता हूं मैं, और बंद करने के बाद गाड़ी स्टार्ट रखनी है हमें आइडियल मोड में लगभग 5 से 10 मिनट, जब तक कि गाड़ी का फैन स्टार्ट ना हो जाए, यानी कि फैन जब स्टार्ट होगा तब इसका थर्मोस्टेट वॉल्व खुल चुका होगा और पूरे इंजन पे सर्कुलेट होगा। अभी देख सकते हैं आप लोग ये कूलर इसका फैन जो है रेडिएटर का चल चुका है, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये रेडिएटर का फैन चल रहा है, इसका मतलब कि इसका वॉल्व खुल गया है और ये इसमें सर्कुलेट, पूरा जो हमारा फ्लश का आइटम था वो सर्कुलेट करने लगा। इसको थोड़ी देर चलने देंगे, फैन ऑन रहेगा, जैसे ही फैन ऑफ होगा तो मैं इंजन ऑफ कर देता हूँ, और इंजन ऑफ करने के बाद ये देखिए, तो अभी ये देखिए इंजन ऑफ कर दिया है मैंने, और इंजन ऑफ करने के बाद इसको मैं थोड़ा छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधा एक घंटा, क्योंकि इसका कूलेंट जो है काफी टेम्परेचर में होता है और यहाँ पे वार्निंग भी लिखी होती है, देखिए इसको ओपन नहीं करना है गर्म रहते समय, तो थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर इसका मैं फ्लश करके दिखाता हूँ आपको पूरा।
तो अब ये रेडिएटर ठंडा हो चुका है थोड़ा। अब इसको मैं खोल देता हूँ कैप को, फिर भी कपड़ा लगा के सावधानी के लिए आराम से ये खोल दिया मैंने। अब चलते हैं इसको ड्रेन करने के लिए, ये नीचे रख देता हूँ और नीचे चलता हूँ। पूरा ड्रेन होने के बाद थोड़ा सा पानी ऊपर से और डालूंगा मैं, क्योंकि इसके नीचे जो भी कचरा बचा हुआ होगा वो भी इसके साथ और निकल जाएगा। और फिर इसके बाद ये देखिए ये भी पानी आ रहा है, और इसके बाद फिर गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट करके फिर इसमें ऊपर से पानी डालेंगे, और थोड़ी देर तक स्टार्ट रख के ऊपर से पानी डालूंगा ताकि वो जो वाटर पंप है उसको अच्छे से घुमा दे, और घुमा के जो भी इसने कचरा काटा होगा निकाला होगा जो भी वो वापस से बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद ये वाले टैंक जो रिजर्व टैंक है इसमें भी भर लिया, और भरने के बाद देखते हैं अभी नीचे निकालते हैं। और निकाल लेने के बाद अब ये जो ड्रेन नट था इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करके ये देखिए इसके बाद भी ग्रीननेस उसने निकली है, जो कि पहले हमने कूलेंट निकाल लिया था, ये सादा पानी डाला था। अब इसको ऊपर से हटा के मैंने देखिए ऊपर से खाली किया डब्बे में, तो ये देखिए कितना कचरा नीचे मिला है। इसका मतलब ये जो फ्लश था इसने काम किया, ये पार्टिकल्स इसने साफ किए रेडिएटर में से और लाइन से पाइपलाइन से सारी जगह से ये पार्टिकल्स निकाले हैं। तो इट मीन्स काम तो किया इसने, ठीक है। अब डालते हैं नया कूलेंट के लिए क्या करते हैं। ये देखिए नया कूलेंट लिया है मैंने, ये MGB का कूलेंट लिया है मैंने मारुति में जो ओरिजिनल आता है, और ये हमको मिला है 263 रुपीज़ की एक बोतल है, ऐसी दो बोतल लाया था मैं। और इसके बाद में एक डिस्टिल वाटर भी लिया मैंने, 50 रुपये का लगभग मिल जाता है ये। तो डिस्टिल वाटर ही डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, सादा पानी इसमें गाड़ी में नहीं डालना चाहिए, इससे कूलेंट की और रेडिएटर की भी लाइफ अच्छी होती है। तो इसलिए कूलेंट डाल देते हैं ऊपर से और डिस्टिल वाटर डालेंगे इसमें। डिस्टिल वाटर का इसका रेशो कितना होता है, क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी है हुंडई की, तो इसमें रेशो है 1 लीटर अगर कूलेंट होगा तो इसमें 2 लीटर डिस्टिल वाटर होगा। ये देखिए ये डाल रहा हूँ मैं, डिब्बे को भी हिला लिया अच्छे से, डिब्बे को भी हिला के डाल दिया ताकि उसमें कुछ रह ना जाए। और अगर आप लोग घर पे खुद से कर देते हैं रेडिएटर फ्लश तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन हाँ ये सारी सावधानियाँ आप बिल्कुल ध्यान में रखें, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं बिल्कुल उसी तरीके से करिए। और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, और मेहनत भी की है वीडियो बनाने में, क्योंकि काम करना और साथ साथ वीडियो बनाते रहना मेहनत तो लगती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और आगे काम करने की और प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा। ये देखिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट भी किया, और स्टार्ट करने के बाद फिर इसका जब टैंक में रिजर्व वापस आने लगा तब मैंने इसका कैप लगाया। तो इसी तरह से आपने करना है। तो अब ये लगभग फाइनल पे हो चुका है, अब इसको हम बंद कर देते हैं बोनट को। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने और लाइक करने के लिए। तो जल्दी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।